फरवरी 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो वहीं बीसीसीआई ने भारत के मैच पाकिस्तान की जगह पर दुबई या फिर श्रीलंका में करवाने के लिए आईसीसी से कहने की बात कही है। इस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है। वहीं पिछले साल पाकिस्तान में हुई एशिया कप सीरीज में खेलने में भारत नहीं गया था। भारत के मैच तब श्रीलंका में करवाए गए थे। रिपोर्ट देखिए। ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में तैयारियां जोरों पर हैं। 29 साल बाद कंगाल पाकिस्तान को आईसीसी के एक बड़े टूर्नामेंट कराने का मौका मिला है, इसलिए पाकिस्तान अपनी इमेज चमकाने की पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची कि बीसीसीआई पाकिस्तान में टीम इंडिया को नहीं भेजना चाहती है, पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया तो जैसे मातम मनाने लगा है, क्योंकि टीम इंडिया के प्लेयर पाकिस्तान पहुंचेंगे तो पाकिस्तान को लगता है कि उसके सारे पुराने पाप धुल जाएंगे और दुनिया में पाकिस्तान की अलग पहचान बन जाएगी। इंडियन मीडिया ने अगले वर्ष पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ तोपों का रुख सीधा कर लिया। अगले वर्ष फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी को इंडियन मीडिया ने अभी से ही इशू बना लिया। इंडियन मीडिया के एक हल्के का कहना है, कई प्लेयर्स पाकिस्तान में जाकर खेलना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और वहां आतंक के कैप्टन हाफिज सईद की टीम में मसूद अजहर जैसे दहशतगर्दों की फौज है। और दुनिया ये भूल नहीं सकती कि जब साल 2009 में पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पर भयानक आतंकी हमला हुआ था, तो ऐसे देश में जाकर क्रिकेट कोई क्यों खेलना चाहेगा। और पाकिस्तान के लिए ये इंटरनेशनल बेइज्जती वाली बात है। तो अगर इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है, तो पाकिस्तान की टीम के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है। और पाकिस्तान की टीम भी इस स्टेटस पे है कि वो अपनी इतनी वैल्यू रखते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में अगर पाकिस्तान टीम नहीं खेलेगी तो उसकी जो एशियाई ममालिक है वहां पे उतना उसको चैंपियंस ट्रॉफी में पजराई नहीं मिलेगी, उतना स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। लेकिन असलियत क्या है ये पाकिस्तान भी जानता है, क्योंकि आज टीम इंडिया का जलवा पूरी दुनिया में है। टीम इंडिया को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है और अगर भारतीय टीम पाकिस्तान गई तो वहां की चरमराती अर्थव्यवस्था और कंगाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सपना सच होने जैसा है। इसलिए पाकिस्तानी पत्रकारों की पूरी फौज सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में लगी है। वहां के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बीसीसीआई के खिलाफ कमेंट कर रहे हैं। वहां पे 400 की बात हो रही थी, जनाब आला हम 400 क्रॉस कर देंगे और लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगा, लेकिन लोगों ने वोट दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूं कि जो इंडिया की आवाम है उन्होंने जो इंतहा पसंदी थी, हिंदू इंतहा पसंदी, उसको शिकस्त दी। और एनपीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत पर अभी कुछ नहीं कहूंगा, मगर अच्छी खबर ही होगी। पाक भारत सीरीज के हवाले से भी अच्छी खबर होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई समय से रिश्ते अच्छे नहीं है, ऐसे में इस मामले पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा। इसी के चलते दोनों टीमों के बीच कोई सीरीज भी नहीं खेली जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप के दौरान ही मैच खेले जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आगे है, इस मामले में जो भी हमें भारत सरकार कहेगी उस हिसाब से हम करेंगे। भारत सरकार जब हमें परमिशन देती तभी हम अपनी टीम भेजते हैं, तो उस मामले में हम भारत सरकार के निर्णय के हिसाब से जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज कराची में 19 फरवरी को होगा। ओपनिंग मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। साथ ही शेड्यूल के मुताबिक भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 1 मार्च को लाहौर में होगा और इसके लिए लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की शक्लो सूरत बदली जा रही है। पूरे स्टेडियम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।